हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुलविंदर और आज हम बात करने वाले हैं 15 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। अगर आप भी 15 प्रो और प्रो मैक्स परचेस करने जा रहे हैं और आप थोड़ा आइडिया लेना चाहते हैं कि इसकी मंथली ईएमआई कितनी हो सकती है, मैं इसका आपको करंट मार्केट प्राइस भी बताता हूँ कि इंडिया के अंदर इसका प्राइस क्या है और आप इसको कैसे एक छोटी सी ईएमआई पे परचेस कर पाएंगे और कौन से क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैशबैक्स वगैरह चल रहे हैं, सब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर इसका प्राइस क्या रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 15 प्रो के बारे में। 15 प्रो जो है वो इंडिया के अंदर 1,34,900 रुपीज़ का रखा गया है, मतलब कि 1,35,000 रुपये विद GST बिल आपको ये इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं 15 प्रो मैक्स की, जिसका प्राइस इंडिया में 1,59,900 रुपीज़ रखा गया है, मतलब कि 1,60,000 रुपये ऑन GST बिल आपको मिलता है। और इसको आप स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, बट इंडिया के अंदर अभी ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है क्योंकि डिमांड हाई है और कुछ लोग दुबई भी गए थे इसको लेने के लिए और दुबई में भी इसका जो है MRP से ज़्यादा प्राइस चल रहा है, वहाँ पर भी इसकी ब्लैक चल रही है। तो देखिए, ये ऑफिशियल स्टोर्स जो हैं वो ब्लैक नहीं कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की, क्योंकि जो ओरिजिनली MRP है उतने पर ही आपको मिलेगा। बट लोग क्या करने लग जाते हैं कि कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी चाहिए होता है, भाई मेरे को चाहिए चाहिए, कोई बात नहीं, 50,000 एक्स्ट्रा लगता है तो मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे लिए 50,000 कोई वैल्यू नहीं रखता, तो मैं 2,00,000 में भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे परचेस कर रहे हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस मनी होती है, और बहुत सारे लोग जो है इसको MRP पे ही परचेस करना चाहते हैं और कुछ लोग तो चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट भी मिले। तो डिस्काउंट की बात करते हैं कि अगर आपके पास है HDFC का क्रेडिट कार्ड तो उससे आप इसके ऊपर 4,000 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं, मतलब कि iPhone 15 Pro जो है 1,34,900 रुपये का, वो आपको 4,000 रुपये लेस मिल जाएगा ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड। और 15 Pro Max की अगर बात करते हैं उस पर भी 4,000 रुपये आपको कैशबैक मिलता है HDFC क्रेडिट कार्ड से। और अगर आप इस पर 6 मंथ्स की EMI लेना चाहते हैं वो भी आपको नो कॉस्ट मिलेगी दोनों ही मॉडल्स पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं EMI की। बहुत सारे लोग जो हैं वो EMI पे परचेस करते हैं क्योंकि सबका बजट नहीं होता कि वो 1,35,000 का फ़ोन ले लें, 1,60,000 रुपये का फ़ोन ले लें, जो कि अभी बेसिक वेरिएंट है। 15 प्रो जो है वो 128GB से स्टार्ट हो रहा है, 15 प्रो मैक्स जो है वो 256GB से स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट। इसके बाद इसका प्राइस जो है वो 2,00,000 रुपये तक जाता है 15 Pro Max 1TB वाले मॉडल का। और जो मैं आपको EMI बताने वाला हूँ ये सभी बेसिक वेरिएंट पे होंगी, जैसे कि iPhone 15 Pro अगर आप ICICI क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपकी जो मंथली EMI रहेगी वो रहेगी 4,216 रुपये, 4,216 की मंथली EMI रहेगी फॉर 24 मंथ्स, 24 महीनों में आप इसको नो कॉस्ट पे खरीद सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट इसके ऊपर नहीं लगेगा। और इसका थोड़ा फंडा समझा देता हूँ, इतनी छोटी EMI कैसे बनी। देखिए, अगर आप ICICI क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो आपको ये EMI कैसे बढ़ती है, ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली EMI बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है आपको वो मशीन के अंदर ही आ जाती है, पर मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्कीम क्या है। तो इसकी जो 4,216 रुपये की EMI बनी वो कैसे बनी, देखिए इसका जो प्राइस है वो है 1,34,900 रुपये। तो इसमें क्या होता है कि 25% जो अमाउंट होती है 1,35,000 रुपये की, वो आप साइड में रख दीजिए, मतलब कि 1,35,000 रुपये का बनता है, अगर 25% बनता है 33,725 रुपये, ये जो है वो डाउन पेमेंट है। पर ये डाउन पेमेंट आपको पहले नहीं करनी है, ये डेफर्ड डाउन पेमेंट है, मतलब कि आपका जो 25% जो हुआ ये आपको 24 किस्तें ख़त्म होने के बाद आपको पे करना है। तो इसलिए आपकी जो EMI है वो बहुत छोटी बन गई, क्योंकि बहुत सारे लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये तो बहुत कम बन रहा है, तो एक्चुअली में आपका डाउन पेमेंट भी होता है पर वो आपको 24 किस्तें ख़त्म होने के बाद पे करना पड़ता है।
तो ये उन लोगों के लिए बहुत इजी जो कि एक छोटी सी ईएमआई चाहते हैं और इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहते। 15 प्रो मैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड पे बनती है वो बनती है 4997। तकरीबन 5000 रुपये आप महीना देकर इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं ऑन आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, और अप्रोक्सीमेटली इसकी डेफर्ड डाउन पेमेंट जो होगी वो 40,000 रुपीज़ होगी जो कि आपको 2 सालों के बाद देनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस से। अगर आप बजाज फाइनेंस से इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप ना बजाज फाइनेंस से परचेज कर सकते हैं, बट इसके ऊपर इंटरेस्ट बेयरिंग होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कि 1,60,000 रुपये पे जितने मंथ की आप ईएमआई लेंगे, मान लो 6 लेनी है, 12 लेनी है या 24 लेनी है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा ये बजाज फाइनेंस आपसे चार्ज करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, मान लो SBI का है, एक्सिस का है, या फिर आपके पास किसी और बैंक का है जो कि ऑफ़र में नहीं है, आप उनसे भी इसको परचेज कर सकते हैं। पर उसमें भी यही सेम होगा, जितने मंथ की आप ईएमआई लोगे उतना आपको जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। और अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इंडियन प्राइस क्या है और आप कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं, और आपको 0% ईएमआई जो है वो किस किस कार्ड पे मिल सकती है, और 24 महीने की ऑफ़र जो है वो आपको किस कार्ड पे मिल रही है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक में कंजूसी नहीं करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। मैं एप्पल के रिलेटेड ही बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।